दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज के अफसानों की एक झलक। पूनम ढिल्लों सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। उनका फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था। फिर कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गई, ये कहानी बताऊंगा आज के सफर के पहले पड़ाव पर। दूसरे पड़ाव पर डॉन फिल्म के टाइटल सॉन्ग की बात करूंगा। इस सॉन्ग में हीरोइन जीनत अमान का होना बहुत जरूरी था, मगर वो अवेलेबल नहीं थी। फिर कैसे मैनेज हुआ ये सब। फिर उसके बाद तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, जहां आज याद करेगा मशहूर अदाकारा रेहाना सुल्तान को। और अंत में एक सवाल, आज का सवाल ना किसी हीरो के बारे में है ना ही हीरोइन के बारे में, आज मुझसे पूछा गया है एक बहुत बड़ी स्टार हीरोइन के पति के बारे में। तो ये सब होगा आज के सफर में। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल से हुई। इस फिल्म में वो सचिन के अपोजिट दिखाई दी। इस रोल को पाने के लिए पूनम ढिल्लों को दूसरे कलाकारों की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, गर्दिश के दिन नहीं देखने पड़े। ये रोल बल्कि खुद सामने से चलकर उनके पास आ गया। पूनम ढिल्लों कोई 16 साल की रही होंगी जब स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जुट गई सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में। उनका पूरा ध्यान इकोनॉमिक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर था। उन्होंने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पूनम फिल्मों में आएंगी। चंडीगढ़ की रहने वाली सुंदर पूनम को यश चोपड़ा से मिलवाने का क्रेडिट जाता है पारिवारिक मित्र और पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द ड्रामा डिपार्टमेंट बलवंत गार्गी को। ये बलवंत गार्गी ही थे जो पूनम के लिए यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल में रोल करने का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन पूनम और उनकी फैमिली ने यह प्रस्ताव रिफ्यूज कर दिया। मगर मिस्टर गार्गी ने फैमिली को बताया कि फिल्म की शूटिंग छुट्टियों के दौरान होगी, पढ़ाई में कोई हर्जा नहीं होगा, और फिर शूटिंग भी चंडीगढ़ के पास दिल्ली में ही होनी है। इस तरह से बलवंत गार्गी ने पूरी फैमिली को और पूनम को कन्विंस कर इस फिल्म के लिए सहमति ले ली। पूनम बॉम्बे जाकर यश चोपड़ा से मिली, उन्हें रोल के लिए फाइनल कर लिया गया। एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। छोटे से रोल में इस खूबसूरत लड़की को लोगों ने देखा, सराहा, पसंद किया और सिविल सर्विसेज में जाने के सपने को पूरा करने के लिए वो चंडीगढ़ कभी वापस नहीं लौटी और बन गई हमारी हिंदी सिनेमा की एक खूबसूरत हीरोइन। फिल्म डॉन का टाइटल गीत फिल्माया जाना था, मैं हूं डॉन। सिचुएशन के हिसाब से फिल्म में अब तक अमिताभ बच्चन और जीनत अमान के बीच रोमांस एस्टैब्लिश हो चुका था और इस गाने में जीनत अमान का होना बहुत जरूरी था। लेकिन जीनत अमान को देवानंद की फिल्म कलाबास की शूटिंग के लिए एक महीने के लिए शिमला जाना था और वो कैंसिल नहीं हो सकता था। एडजस्टमेंट डॉन फिल्म की यूनिट को ही करना था। जब ये समस्या सलीम जावेद के साथ डिस्कस की गई तो उन्होंने इसका एक हल सुझाया। उन्होंने इस गाने से पहले इफ्तिखार और अमिताभ बच्चन के बीच फोन पर बातचीत का एक सीन रखा, जहां अमिताभ बच्चन इफ्तिखार को बताते हैं कि सभी बड़े गैंग लीडर्स का एक गेट टुगेदर होने वाला है, सबको एक साथ पकड़ने के लिए पुलिस की रेड हो सकती है और यही मौका है। तो तय होता है कि इफ्तिखार पुलिस बंदोबस्त के साथ वहां पहुंच जाएंगे और रेड ठीक 9 बजे की जाएगी। अब यहां जीनत अमान की एब्सेंस को जस्टिफाई करने के लिए एक एडिशनल डायलॉग और जोड़ दिया गया। इफ्तिखार कहते हैं, रोमा से कहना कि वो वहां मौजूद न रहे, मैं उसे किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहता, पुलिस रेड में कुछ भी हो सकता है। इस तरह इस डायलॉग से जीनत अमान की एब्सेंस को जस्टिफाई करके बिना उनकी मौजूदगी के ये गाना शूट किया गया। कुछ पूछना चाह रही हैं आप? जी जी
सर मतलब एक तरीके से इसको आप चीटिंग कहेंगे या फिर क्राफ्ट का एक हिस्सा है कि मतलब जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि बहुत लोगों ने ये नोटिस तो किया कि जब इतना कुछ हो रहा है अमिताभ बच्चन के साथ उस फिल्म में कैरेक्टर के साथ विजय के साथ, तो उसकी गर्लफ्रेंड रोमा उस वक्त कहीं पर भी मौजूद नहीं है। देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फिल्म मेकर्स एंड द राइटर्स एंड द पीपल फ्रॉम द हमारी जो फिल्में बनती है ना उनका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है, है ना। और अभी से ही नहीं कालांतर से ही हमारे फिल्म मेकर्स हमारे राइटर्स लॉजिकल मोटिवेशन रियलिस्टिक अप्रोच के साथ एक इम्पैक्टफुल इफेक्टिव फिल्म बनाने पे उन्होंने यकीन नहीं किया है। तो हमारी फिल्मों का वो है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, वो तब से लेकर अभी तक हासिल है। हम लोग बहुत ही सतही तौर के ऊपर अपनी फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं और वो हमारे उसमें पार्ट सिस्टम में हो चुका है। इसमें सलीम जावेद का कोई दोष नहीं, उनसे पहले भी सलीम जावेद की जो भी अगर आप फिल्में देखेंगे वो उसी ढर्रे के ऊपर है, कोई वो नहीं है, डायलॉग बाजी है। तो एक किसी व्यक्ति को दोष देना के इस तरह के एडजस्टमेंट एक नहीं ज़्यादातर फिल्मों में आपको मिलेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी फिल्में रियलिटी के नज़दीक नहीं होती हैं कमर्शियल फिल्में, तो जहाँ पर भी जिसको भी समझ में आया उन्होंने, क्योंकि डायलॉग फिल्म में थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं हुआ, क्योंकि जो आपके इन्फॉर्मर है आप उनके सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे, और जिनको आप नहीं जानते रोमा जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड दैट टू ही द कैरेक्टर न्यू कि रोमा मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है और सब कुछ, फिर भी उन्होंने आपकी जब ये कोशिश ही होती कि आप जस्टिफाई करें वहीं पर आपका केस बहुत ढीला हो जाता है। कौन सा बोल रहे हैं? जोधपुर से अशोक कड़ेला बात कर रहा हूँ सर। अरे नमस्कार नमस्कार जी, कैसे हैं अशोक जी? सर कह रहा हूँ कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे? हम बहुत अच्छे, आपके गाने सुन रहे हैं एफएम पर। जोधपुर में कहाँ निवास है अशोक जी? जोधपुर 5 रोड छोटे ईदगाह के पीछे, लाला लाजपत राय कॉलोनी। अच्छा अच्छा अच्छा, जोधपुर की भाषा बड़ी बहुत ही सुरीली और बहुत ही रसीली और बहुत ही मीठी है भाषा वहाँ की। मीठी है सर। हाँ जी जी सर। तो क्या कहना है, क्या पूछना है अशोक जी? सर यही कहना चाहता हूँ आपके कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर जी। अच्छा शादी नहीं हुई अशोक जी अभी आपकी? हाँ सर सगाई हो गई ना मेरी। कहाँ की हैं होने वाली भाभी जी, कहाँ की हैं? जोधपुर की है सर। अच्छा जोधपुर की हैं, और शुभ दिन कब आएगा? शुभ दिन तो मालूम नहीं सर। नहीं नहीं फिर भी माताजी पिताजी ने कोई तो डेट डिसाइड की होगी सर। 1.5 साल है। अच्छा 1.5 साल है। होने वाली भाभी जी का नाम क्या है? कोमल है। कोमल और अशोक, क्या बात है सर। सर मुझे गाना भी सुनना है। अरे अरे बोलिए ना, आप कौन सा गाना सुनवाऊं आप? जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, अल्लाह कमाल है, अरे अल्लाह कमाल है। हाय क्या बात है क्या बात है। पता है ना आपको कौन सी फिल्म का गाना है? नहीं सर फिल्म का नाम याद नहीं मुझे, मतलब गाने का शौक है सर। प्यार किया तो डरना क्या, 1963 की फिल्म है ये। जी सर। मोहम्मद रफी साहब ने गाया, इतना तो मालूम होगा ना। और ये रवि साहब की कंपोजिशन है और ये गीत लिखा था शकील बदायूनी साहब ने। क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच। पेश खिदमत दिल ने फिर याद किया, आज याद करेंगे अभिनेत्री रेहाना सुल्तान को। रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, मायरी मैं कासे कहूं या हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह। बेहतरीन नगमे जिनके ऊपर पिक्चराइज्ड हुए हों वो हैं रेहाना। रेहाना का जन्म इलाहाबाद के बहाई परिवार में 19 नवंबर 1950 को हुआ। हाई स्कूल करने के बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में एक्टिंग कोर्स का एक एडवर्टाइजमेंट देखा और फादर से कहा कि वो FTII ज्वाइन करना चाहती हैं। फादर ने सोचा कि एक्टिंग में ऐसे कुछ तजुर्बा तो है नहीं, तो एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है, करने देता हूं कोशिश, बच्ची की बात रह जाएगी। पर ऑडिशन में हुआ बिल्कुल उल्टा। बीआर चोपड़ा और गजानंद जागीरदार जैसे दिग्गजों के सामने भी रेहाना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनका चयन हो गया। FTII में पहले साल पता नहीं रेहाना के साथ क्या हुआ कि वो हर विषय में फेल हो गई। इस बात ने रेहाना को शायद लाइफ में सीरियस बना दिया और जब वो पहले साल की छुट्टियों के बाद दोबारा इंस्टीट्यूट लौटी तो वो एक नई रेहाना बन चुकी थी।
इतनी बदल चुकी थी कि पहले साल हर सब्जेक्ट में फेल होने वाली रिहाना ने FTII का एक्टिंग कोर्स गोल्ड मेडल के साथ पास किया। पुणे में विश्वनाथ अयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की सालगिरह में उनके एक बोल्ड रोल को देखकर 1970 में राजेंद्र सिंह बेदी ने उन्हें ब्रेक दिया। फिल्म थी दस्तक और रेहाना बन गई हिंदी फिल्म में लीड रोल करने वाली FTII पुणे की पहली स्टूडेंट। दस्तक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दस्तक के साथ साथ उन्होंने BR इशारा की फिल्म चेतना भी कंप्लीट की। दस्तक और चेतना दोनों बोल्ड सब्जेक्ट्स की फिल्म थी। इन फिल्मों से रेहाना को प्रसिद्धि तो बहुत मिली, लेकिन आगे चलकर यही प्रसिद्धि और यही इमेज आड़े आ गई। बोल्ड सब्जेक्ट्स की फिल्म में किए गए इन बोल्ड सीन्स की वजह से उनके पास इसी तरह के फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे। ज्यादातर फिल्में जो थीं वो चीप ग्रेड की होने लगी, जिसे रेहाना को मजबूर होकर रिफ्यूज करना पड़ा। इसी वजह से रेहाना सुल्तान के फिल्मी सफर में दस्तक और चेतना के अलावा हार जीत, दिल की राहें, प्रेम पर्वत, किस्सा कुर्सी का और हम रहे ना हम जैसी गिनी चुनी फिल्में ही हैं। 1984 की फिल्म हम रहे ना हम एज फीमेल प्रोटैगनिस्ट उनकी अंतिम फिल्म रही। फिल्म चेतना के दौरान उन्हें और डायरेक्टर BR इशारा को प्यार हो गया और 1984 में दोनों ने विवाह कर लिया। रेहाना सुल्तान बाद में इक्का दुक्का TV सीरियल्स में नजर आईं। इसके अलावा सुधीर मिश्रा की 2013 में बनी फिल्म इनकार में भी उन्होंने किरदार किया था। रेहाना जी को सलाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं वो खुश रहें, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। 14वीं का चांद, मेहंदी, चाइना टाउन, नील कमल, न जाने कितनी हिट फिल्मों के संगीतकार रवि परीक्षा में फेल हो गए थे जब स्कूल में थे। इस बात से उनके पिताजी इतने नाराज हुए कि उन्हें सजा के तौर पर एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर काम करने भेज दिया गया। दुकान पर उनका काम होता था छोटे मोटे तार जोड़ना, सामान निकालना, कोई आ जाए तो उसके लिए चाय पेश करना। एक दिन जब दुकान के मालिक ने रवि को हुक्म दिया कि वो मेहमान के लिए पास की दुकान से समोसे और जलेबी ले आए, तो रवि साहब चल दिए चाय समोसे लेने। रास्ते में एक दोस्त मिल गया, उसने रवि को रोक लिया, गप्पे मारने लगे। इधर रवि साहब को लग रहा था कि वो अगर यहाँ इससे बात करते रहेंगे तो मेहमान चला जाएगा, मालिक गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो अपने दोस्त से पिंड छुड़ाने की कोशिश करने लगे। लेकिन दोस्त जिद्दी था, अरे रुको तो यार, कहाँ जा रहे हो यार। कुछ दोस्त होते हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है। तो ये दोस्त भी लगा रहा इधर उधर की बातें करने में। ये बातों का सिलसिला जारी था, तभी अचानक जोर की आवाज सुनाई दी रवि को, और रवि साहब ने चौंक कर जब देखा तो आंखें फट गई उनकी। जिस दुकान में उन्हें समोसा और जलेबी लेने जाना था, उस दुकान से सटी इमारत धड़धड़ा कर गिर पड़ी और इस हादसे में वो दुकान और वहां खड़े लोग दब गए थे। ये मंजर देख के रवि को लगा कि आज अगर उनका ये दोस्त उन्हें बातों में उलझा के गप्पे ना मारता तो इस मलबे में दबकर मर जाने की उनकी भी बारी थी। जाको राखें साइयां मार सके ना कोई। रवि साहब के कुछ गीत गुनगुनाएंगे आप लोग? रवि साहब के जी चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और वो कौन सा गीत था जैसे ताली हो, वो क्या था? बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। आज का सवाल पूछा है मुंबई ओशिवारा के राजेश कुमार गुप्ता ने। वो जानना चाहते हैं कि वैजंती माला के पति कौन थे, उनके बारे में हम क्या जानकारी मुहैया करवा सकते हैं। तो राजेश जी, मैं बता देता हूं कि वैजंती माला के पति का नाम था डॉक्टर चमनलाल बाली।
डॉक्टर चमनलाल बाली राज कपूर के पर्सनल फिजिशियन हुआ करते थे। डॉक्टर बाली और वैजंती माला की मुलाकात संगम की शूटिंग के दौरान हुई थी। ये छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई, लेकिन उस वक्त डॉक्टर बाली शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे, और इस वजह से वैजंती माला के परिवार ने बहुत विरोध किया इस शादी का। बहरहाल डॉक्टर बाली ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और 1968 में वैजंती माला से शादी कर ली। ये वो टाइम था जब वैजंती माला आम्रपाली, सूरज साथी और ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों के साथ अपने करियर के उरूज पर थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और मद्रास में जाकर बस गईं। शादी के बाद वह अपनी नृत्य कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गईं। वैजंती माला बहुत अच्छी नृत्यांगना हुआ करती थी। 1976 में एक बेटा हुआ सचिंद्र। डॉक्टर चमनलाल बाली का 1986 में देहांत हो गया। उम्मीद करता हूँ राजेश जी के ये जो उत्तर मैंने दिया है उससे आप मुतमईन होंगे। आज इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूँ। कल नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ, नए चिंतन, नई कथाओं के साथ आपसे भेंट होगी इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।